अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर असद मलिक एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन किस तरह होती है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच कैन बी यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज देयर नीड ऑफ ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन। हम एक और टाइप पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, बैक्टीरिया की रिस्पायरेशन के हिसाब से हम दो टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एरोब्स मीन्स एरोबिक बैक्टीरिया, वो होते हैं रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है सांस लेने के लिए, वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं। एनारोब्स क्या हैं? एनारोब्स रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी रिस्पायरेशन कर सकें, जिंदा रह सकें, उनको हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया आर किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन अगर मौजूद होगी तो मर जाएंगे, इनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी कि वो सिर्फ एनारोब्स होंगे, ऑब्लिगेटली एनारोब्स होंगे। अदर्स यूज़ ऑक्सीजन बट कैन रिस्पायर विदाउट इट, कुछ जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, इनको हम कहेंगे दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होंगे? अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो वो ऑक्सीजन में भी ज़िंदा रहेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी ज़िंदा रह पाएंगे, उनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। बैक्टीरिया विच कैन ओनली सर्वाइव विद ऑक्सीजन आर प्रेजेंट आर ऑब्लिगेट एरोब्स, वो बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जिंदा रहेंगे उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ठीक है, ये रिस्पायरेशन का था थोड़ा सा। अब आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया क्या खसूसियत है, क्या इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया की, वो दो तरह की है। नंबर वन यूज़फुल बैक्टीरिया, नंबर टू हार्मफुल बैक्टीरिया। नंबर वन यूज़फुल बैक्टीरिया पे आ जाए, एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया। एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज एंड कन्वर्ट वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल फॉर्म। एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया क्या करेगा, प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करेगा और उनको कन्वर्ट कर देता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, लाइक नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स, ये प्लांट्स को चाहिए होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर ये कंपाउंड्स चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रो कराने के लिए, फॉर यूटिलाइजेशन बाय ग्रीन प्लांट्स अगेन, तो ये दोबारा प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट द प्रोटीन्स ऑफ दिस डेड बॉडीज इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो प्रोटीन्स मौजूद होंगे डेड बॉडीज़ के अंदर, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, दोनों के अंदर, उनको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में। देन दीज नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, और फिर ये नाइट्रेट्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करता है और इनको यूज़ करता है अपनी ग्रोथ में। सॉइल बैक्टीरिया इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय ब्रिंगिंग अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द सॉइल। बैक्टीरिया किस तरह सॉइल को फर्टाइल करता है, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, उसकी जो फिजिकल और केमिकल जो है ना, फिजिकल और केमिकल चेंजेस लेकर आता है सॉइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। एलिमेंट्री कैनाल माउथ की बकल कैविटी को कहते हैं। दे हेल्प हर्बीवोरस इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज बाय प्रोड्यूसिंग द एंजाइम सेलुलेज। एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया हेल्प करता है हर्बीवोरस को, वो जानदार जो कि घास खाते हैं, उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किस चीज़ की, सेलुलोज की। सेलुलोज प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स वो हर्बीवोरस खाते हैं और उन सेलुलोज को डाइजेशन कराता है एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड सेलुलेज। सेलुलेज की मदद से एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, जिसकी मदद से वो डाइजेशन होती है। सिमिलरली सम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड मेक विटामिन। कुछ एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होंगे, जो कि विटामिन की प्रोड्यूस कराते हैं, विटामिन की प्रोडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट आ जाए इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया। दे हेल्प इन द क्योरिंग एंड रैपनिंग ऑफ टोबैको लीव्स, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, राइपनिंग ऑफ चीज़, रेटिंग ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ फाइबर्स, कर्लिंग ऑफ मिल्क, कन्वर्जन ऑफ हाइड्स इनटू लेदर्स। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इंडस्ट्रीज़ में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है टोबैको लीव्स को पक्का करने के लिए, ठीक है, शुगर की फर्मेंटेशन के लिए ताकि वो अल्कोहल में चेंज हो सके, रैपनिंग ऑफ चीज़, चीज़ की प्रोडक्शन में, रेटिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फाइबर, फाइबर्स को सॉफ्ट बनाने के लिए, कर्लिंग ऑफ मिल्क, दही बनाने के लिए, कन्वर्जन ऑफ हाइड्स इनटू लेदर, लेदर को
चमड़ी को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए, ये सब चीज़ों के में बैक्टीरिया का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया से हेल्प ली जाती है। मेडिसिनल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मेडिसिन की फील्ड में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यूएबल एंटीबायोटिक ड्रग्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं वो बैक्टीरिया के ज़रिए बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे कि थायरोथाइसिन, सबटिलीन, राइबोफ्लामिन इज़ अ विटामिन प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है जिसकी हेल्प से विटामिन बनाई जाती हैं, ठीक है। राइबोफ्लामिन एक बैक्टीरिया, एक विटामिन है जो कि बैक्टीरिया से बनाई जाती है। सबटिलीन, थायरोथाइसिन, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक प्लास्मिड होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिन मटेरियल होता है, या एक्स्ट्रा डीएनए की एक राउंड डीएनए होता है एक्स्ट्रा, तो उसके अंदर वो प्रोड्यूस कराते हैं डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स को। अब आ जाएँ हार्मफुल बैक्टीरिया। नंबर टू, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक, पैथोजिन मीन्स डिस्ट्रक्शन, वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए उसको पैथोजिन कहा जाता है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट वेरीड काइंड ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या करते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है। दे मे एक्ट एज अ इनविजिबल एनिमीज फॉर मैन, ये वो दुश्मन हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, इनविजिबल होते हैं। सम ऑफ द डिजीज फाउंड इन मैन ड्यू टू बैक्टीरिया आर टाइफाइड, अच्छा कुछ बीमारियाँ हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से इंसानों में होती हैं, इंसानों में वो हैं टाइफाइड है, बुखार, टैटनस है, कॉलरा है, डायरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी, ठीक है, टीबी हो गया, डायरिया हो गया, कॉलेरा है, टेटनस है, टाइफाइड बुखार है। उसके अलावा प्लांट डिजीज में जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं वो ब्लैक रोट्स ऑफ कैबेज, गोभी का ब्लैक ब्लैक धब्बे होना, काले धब्बे होना, सिट्रस सेंकर, ठीक है, खट्टे फ्रूट्स के अंदर उनको ख़राब करता है बैक्टीरिया। फाइन ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, एप्पल और पियर के अंदर, सेब और नाशपाती के अंदर कुछ निशानात आ जाते हैं, ठीक है, डार्क निशान होते हैं, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। रिंग रोट ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर जो काले धब्बे हो जाते हैं वो भी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करते हैं उनको। फूड स्पॉयलेज, फूड स्पॉयलेज कैसे करता है बैक्टीरिया, फूड स्पॉयल फूड बाय, बैक्टीरिया स्पॉयल फूड बाय फर्मेंटेशन एंड डीकम्पोजिशन। बैक्टीरिया हर तरह के खानों को या फूड मटीरियल्स को फर्मेंटेशन के ज़रिए और डीकम्पोजिशन के ज़रिए डिस्ट्रॉय करता है। दैट्स ऑल।